नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन। आज मैं हूं दोस्तों लखनऊ में। एक वैकेंसी निकली थी दोस्तों 2016 में एक वैकेंसी निकली थी नलकूप चालक की। तो 2 साल पहले मैंने फॉर्म डाला था नलकूप चालक में और 2 साल से कुछ उसका हुआ नहीं। उसके बाद में डेट आई अभी 1 महीने पहले, तो उसका एग्ज़ाम होना था आज, मतलब आज 2 सितंबर है आज दोस्तों, आज ही उसका एग्ज़ाम होना था। तो मैं कल ही आ गया था लखनऊ मेरे यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर है। तो मैं कल ही आ गया था, शाम को मैं यहाँ पे रुका और करीबन 1 महीने से दोस्तों पढ़ाई कर रहा था, बहुत तैयारी कर रहा था, काफ़ी मेहनत भी कर रहा था। कल मैं शाम को आया यहाँ और मैंने अपना सेंटर भी देखा, तो सेंटर के पास ही में मैं रूम लेके रुक भी गया था। लेकिन दोस्तों आज सुबह जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने देखा कि उसमें न्यूज आ रही है कि पेपर लीक हो गया है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ दोस्तों, मैंने और सर्च किया, लेकिन काफ़ी यूट्यूबर ने वहाँ पे पोस्ट कर रखा था कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी गई है। तो मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर चेक किया, वहाँ पर भी दिखाया गया है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो देखते हैं दोस्तों, ये था मेरा स्कूल जहाँ पे मेरा सेंटर गया था। दोस्तों मेरा स्कूल जहाँ पे सेंटर गया था ये है विद्यांत हिंदू इंटर पीजी कॉलेज, विद्यांत हिंदू इंटरमीडिएट कॉलेज। ये है दोस्तों, ये गौतम बुद्ध मार्ग लखनऊ में पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कल ही आके देख गया था अपना सेंटर बाहर से ही, और इसके पास ही में मैं रूम लेके रुक गया था। ये देखिए लड़के खड़े हैं। लेकिन आज जब दोस्तों परीक्षा निरस्त हो गई है तो बहुत दुख हो रहा है, और जब सुबह पता चला तो काफ़ी कष्ट हुआ, लेकिन क्या करें, अब जो भी होगा देखा जाएगा, आगे कोई डेट आएगी। ये देखिए दोस्तों, पेपर में भी निकला है नलकूप चालक परीक्षा पेपर लीक होने से टली। ये अब तो क्लियर हो गया है क्योंकि पेपर में भी आ गया है। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोग भी आए हैं, ये भाई लोग आए हैं पेपर देने, लेकिन इन्हें भी पता चल चुका है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये लोग भी काफ़ी उदास हैं दोस्तों, क्या किया जाए, बस यही होना था। भैया आप गया से आए हैं? अच्छा, कैसे पता चला आपको कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा निरस्त हो गई है? अभी यहाँ उतरने के बाद पता चला, हमें पेपर में दिया हुआ है। तो आपको कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है क्या, यहाँ आने के बाद इतना दूर कितने मुश्किल से आए हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद परीक्षा लीक हो गई, बहुत बुरा लग रहा है हमें। आपका भी एग्जाम था? जी। आप कहाँ से आए? हम आए बिहार पटना से। अच्छा अच्छा, तो कितने बजे आपको पता चल गया था कि परीक्षा नहीं होगी? कल शाम में 6 बजे पता चल गया था। अच्छा अच्छा, तो जिस कॉलेज में सेंटर था उसी कॉलेज का स्टाफ बता रहा था। अच्छा, तो आप यहाँ कल ही आ गए थे? जी। आप भैया कहाँ से आए? हम भी बिहार से हैं। अच्छा, आपको कितने टाइम पता चला था? हमें तो रात को पता चला, लगभग 10-11 बजे। अच्छा, तो यही है भाइयों, बस काफ़ी लोग आए और निराश होकर वापस जा रहे हैं, काफ़ी दूर से, कोई बिहार से आया है, कोई दिल्ली से आया है, हम भी बस 150 किलोमीटर से आए थे। काफ़ी दुख हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या किया जाए, जो होना था हो गया, आप देखेंगे आगे कुछ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।